अच्छा जी, तो वेलकम बैक। आज का हमारा नया टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस के अंदर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस बनाया था। डेटाबेस के अंदर पे दो टेबल्स बनाए थे, टेबल्स के अंदर डाटा लिखा था। तो आज हम लोग उन दो टेबल्स के दरम्यान रिलेशनशिप बनाना देखेंगे। तो सर्च करते हैं एक्सेस, ये एक्सेस आ गया हमारे पास। तो ये लास्ट टाइम हमने टेबल जो डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट नाम का, यहाँ पर ये रिसेंट में आ रहा है, तो इसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डेटाबेस ओपन हो गया है। अब डेटाबेस बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहा है क्योंकि कुछ भी ओपन नहीं है। ये हमारे पास आ रहे हैं टेबल्स, टेबल्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे टेबल जो हमने बनाए थे नज़र आ रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं वही सारा टेबल, हमें वही सारा डाटा दिखाई दे रहा है। दूसरे टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये भी हमें यहाँ पर डाटा वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए पहले इनको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप जो है ना वो डेटाबेस का टूल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है रिलेशनशिप। हमने आकर रिलेशनशिप पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि इनको आप रिलेशनशिप बनाना। अब रिलेशनशिप बनाने के मल्टीपल वेज़ हैं। अपने सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने के लिए ना टेबल्स को ऐड करना होगा। यहाँ पे कुछ दिखाई देगा तो उसके ऊपर रिलेशनशिप बनाएंगे। एक तो तरीका कार ये है कि इन टेबल्स में से यहाँ से पकड़ के आपने ड्रैग करके लेकर आकर यहाँ पर आके छोड़ देना, पहला टेबल और ये दूसरा टेबल, ठीक है। आपके पास जितने टेबल होंगे वो सारे टेबल यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये तरीका कार है कि आप इस तरीके कार के साथ टेबल्स को सिलेक्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट करके डिलीट के बटन पर क्लिक किया तो ये टेबल यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका कार क्या है, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऐड टेबल्स। ऐड टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जितने आपके पास टेबल्स हैं। अब इन पे आप डबल क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या किसी टेबल पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेबल्स पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर टेबल्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इनको दरमियान में ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, कम से कम एक ऐसी वैल्यू लाजमी होनी चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पर देखें स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर भी देखें स्टूडेंट आईडी, ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तब हम रिलेशनशिप इनके दरमियान बना सकते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए लाजमी चीज़ है कि दो टेबल में कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, तो इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, रिजल्ट आईडी है, ठीक है। दोनों की प्राइमरी कीज़ क्या है, अलग हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, पहले टेबल की प्राइमरी की को पकड़ कर ड्रैग करके, मतलब माउस के बटन को क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और इसको लेकर आते 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 आकर यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी के ऊपर आकर आपने छोड़ देना है। जब आकर इसको छोड़ेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शन सेलेक्टेड है। पहले टेबल पहला टेबल है इन्फो, दूसरा टेबल है रिजल्ट। पहले टेबल की आपने स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट किया, दूसरे टेबल में भी स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट की है। अब नीचे ऑप्शन आ गए इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा प्राइमरी वाले टेबल में चेंजेस करना चाहेगा तो वो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है, और अगर इसमें चेंजेस करना चाहेगा तो इसमें भी असर पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये आपकी रोज़ और कॉलम डिलीट जो है ना अपडेट करने के लिए आपका रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। अब कोई बंदा एक डेटाबेस के अंदर चेंजेस करना चाहेगा, मतलब एक टेबल के अंदर चेंजेस करना चाहेगा तो दूसरे के अंदर भी वो उसका अफेक्ट आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक हो गया। ये अगर ऑन होगी तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने टेबल वन में से डाटा डिलीट करना है तो वो आपको सामने एरर दे देगा कि टेबल वन जो है वो किसी और टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इसका डाटा अगर आप डिलीट करेंगे तो दूसरे टेबल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जाकर रिलेशनशिप इनका डिलीट करें। रिलेशनशिप डिलीट करने के बाद जाकर आप लोग इनका डाटा को डिलीट कर सकते हैं ताकि दोनों टेबल एक दूसरे से क्या हो जाएँ, अलग हो जाएँ। लेकिन अगर टेबल टू का डाटा डिलीट करना है, मतलब ये दूसरा टेबल जिस तरह ये रिजल्ट वाला, अब रिजल्ट अब जाहिर सी बात है अगर रिजल्ट को हम डिलीट करेंगे तो स्टूडेंट आईडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फो वाले पे। जो पहला टेबल है उसमें हमने इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, दूसरे टेबल में रिजल्ट सेव किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इन्फॉर्मेशन ही डिलीट कर देते हैं तो रिजल्ट किसका शो होगा हमें, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम किसी का एक का रिजल्ट डिलीट कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, हमें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदा है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पहला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में, ठीक है। अब आते हैं नीचे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इसका होगा कोई वन टू मैनी, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वन टू मैनी रिलेशनशिप हुआ हुआ है, इसका इसके साथ वन टू मैनी हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट के मैनी रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है,
एक स्टूडेंट के काफ़ी सारे रिजल्ट हो सकते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता, एक स्टूडेंट का तो एक ही रिजल्ट होता है, तो ये तो वन टू वन रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये वन टू वन तो यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो चलिए हम पहले इसको पहले क्रिएट करते हैं, ये देखें यहाँ पर आ रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब हमने इस वन टू मैनी रिलेशनशिप को क्या करना है, ख़त्म करना है, हमें वन टू वन रिलेशनशिप चाहिए। अब वन टू वन रिलेशनशिप करने के लिए ना मल्टीपल वेज हैं। एक तो तरीकाकार हमारे पास ये है कि दोनों टेबल में प्राइमरी की सेम कर दें, इसको भी स्टूडेंट आईडी, जो जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यूज़ कर रहे हैं ये प्राइमरी की, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए प्राइमरी की क्या है, रिजल्ट आईडी, हम रिजल्ट आईडी की जगह स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कर दें। अगर ऐसे कर देंगे तो हमारे पास दोनों टेबल में प्राइमरी की सेम हो जाएंगी, तो वन टू वन रिलेशनशिप बन जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, चलिए मैं आपको दोनों तरीकेकार करके देता हूँ। पहले हम इसको रिलेशनशिप को डिलीट करते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, आपने आकर इस रिलेशनशिप वाली जो लाइन है इस पर आके क्लिक करना है, तो ये थोड़ी डार्क हो जाएगी। फिर आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट वाला बटन प्रेस करना है, तो आपको कह रहा है कि आप रिलेशनशिप डिलीट करना चाह रहे हैं, हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से इस विंडो को करता हूँ क्लोज, सेव चेंजेस, ठीक है जी, यस। अब हमने क्या करना है, हमने अब इनके दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप बनाना है। अब बाबू जी पहले नंबर पे हमने पहला टेबल सेलेक्ट किया इन्फो, दूसरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया रिजल्ट वाला। अब रिजल्ट में और स्टूडेंट में अगर चेक करें वैल्यू सारी पड़ी हुई है, तो मैं ज़रा जाता हूँ इन्फो वाले में, इन्फो के डिज़ाइन पर जाता हूँ, इन्फो में डिज़ाइन में जाता हूँ, तो स्टूडेंट आईडी को देखें यहाँ पर इंडेक्स में क्या आ रहा है, इंडेक्स में यस नो डुप्लीकेट्स, मतलब कि आपकी स्टूडेंट आईडी के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, कि स्टूडेंट आईडी में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो रिपीट होने वाली नहीं होनी चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब ठीक है जी, सही है, ओके है। अब रिजल्ट वाले में आते हैं, रिजल्ट वाले के हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, यहाँ पर आओ स्टूडेंट आईडी में, यस डुप्लीकेट्स ओके, इसका मतलब क्या है, कि मतलब कि आपकी डुप्लीकेट्स आ सकती हैं, डुप्लीकेट्स मतलब क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारे पास स्टूडेंट आईडी के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मैनी वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पर, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर मैनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसी वजह से हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट्स हमने अलाउ किए हुए हैं, हमारे पास डुप्लीकेट्स अगर अलाउ हैं तो यहाँ पर मैनी रिकॉर्ड्स हमारे पास आ सकते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउ हैं मतलब कि एक आईडी के तीन चार वैल्यूज़ आ सकती हैं, मतलब एक आईडी तीन चार दफ़ा हमारे पास ऐड हो सकती है, ठीक है, तो हमने इसको अलाउ नहीं करना, हमने क्या करना है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड, ठीक है, यस, मतलब इंडेक्स, इंडेक्सिंग तो हमारी होनी चाहिए लेकिन नो डुप्लीकेट्स अलाउड, कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स वगैरह हमारे पास नहीं होने चाहिए, मतलब सिमिलर वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इसके ज़रिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट्स जो होंगे वो अलाउ नहीं होंगे। अब हमने इसे सेव करना है, सेव करने के लिए मल्टीपल वेज हैं, इस पर क्लिक करेंगे तब भी सेव हो जाएगा, नहीं तो अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और एस का बटन दबाएंगे ना तो उसके साथ भी सेव हो जाएगा। अब हमने सेव कर दिया, सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं डेटाबेस टूल्स में, इनको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं, ये मैंने बंद कर दिया, डेटाबेस टूल्स में आके दोबारा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये मेरे पास जो पहले के टेबल मैंने सेलेक्ट किए हुए थे ये सिलेक्ट हुए हुए हैं लेकिन इनमें रिलेशनशिप नहीं है। अब मैंने दोबारा वही स्टेप फॉलो करता हूँ, इधर से इसकी स्टूडेंट आईडी को ट्रैक करके लेकर आकर इधर की स्टूडेंट आईडी पे जब मैं छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये देखें वन टू वन रिलेशनशिप आ गया, क्यों, क्योंकि इसकी एक वैल्यू के साथ यहाँ की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू लिंक हो सकती है, पहले क्या था मैनी वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट्स अलाउड थे ना, तो डुप्लीकेट्स अलाउड होने की वजह से यहाँ पे मैनी रिकॉर्ड्स आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मैनी रिकॉर्ड्स आप सेव कर सकते थे। अब हमने क्या कर दिया, इधर भी वन है इधर भी वन है, तो इसका मतलब वन टू वन रिलेशनशिप होगा। अब इसके जरिए इस तरीकेकार के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप इनके दरमियान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो था ये वाला तरीका का जो ऑथेंटिक है और जिसको हम लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरा तरीका का जो मैंने आपको बताया, पहले इसको हम डिलीट करते हैं रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब मैं इधर से बंद करता हूँ इसको, वापस जाता हूँ रिजल्ट वाले में, रिजल्ट वाले में हमारे पास इसके डिज़ाइन व्यू में हम लोग जाते हैं, रिजल्ट टेबल के डिज़ाइन व्यू में हमारे पास ये हमने क्या किया हुआ था, डुप्लीकेट्स नो डुप्लीकेट्स अलाउ, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार क्या था, मैंने आपको क्या कहा था कि रिजल्ट आईडी को प्राइमरी की से हमने हटा देना है और दोनों टेबल में प्राइमरी की सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट वाले में भी, इसके मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास वो प्राइमरी की है, इधर भी आए इधर रिजल्ट वाले टेबल में भी जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की है। अब दोनों टेबल में प्राइमरी की क्या होगी है, सेम होगी है, दोनों टेबल में अगर प्राइमरी की सेम हो तो हमारे पास इनके दरमियान हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, अब फिर दोबारा जाएंगे रिलेशनशिप में,
रिलेशनशिप में जाकर पहले वाली टेबल को जाकर अगर मैं और ये पुराने वाली टेबल हमारे पास डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट कर दिया, ये आ गया। इसको हम पहले सेव करते हैं, इसको भी यहाँ पर आकर हम लोग सेव करते हैं। अब रिलेशनशिप वाले में वापस आते हैं। अब हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को सेव चेंजेस नो डिलीट कर दिया। अब हमने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों आ गए हैं। इसकी स्टूडेंट आईडी और इसकी दोनों देखें, दोनों के साथ कीज़ बनी आ रही हैं, तो मतलब क्या है, ये दोनों प्राइमरी कीज़ हैं। इस पे क्लिक करके हम लोग ड्रैग करके लेकर आकर इस पर अगर छोड़ेंगे तो इनके दरमियान देखें फिर 1-to-1 रिलेशनशिप आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी की का दूसरी प्राइमरी की के साथ हमेशा 1-to-1 का ही रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इस तरीक़ेकार के साथ हम 1-to-1 या 1-to-many रिलेशनशिप अपने पास टेबल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह मैनी टू, अगर हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग ये ज़रा अपने पास एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे बताएं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जैसे हमने 1-to-many का रिलेशनशिप बनाया था, मैनी के लिए हमने क्या किया था, डुप्लीकेट्स अलाउ कर दिए थे। तो इसी तरह ही अगर मैनी टू मैनी होगा तो मैनी के लिए हमेशा डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। तो पहले टेबल के अंदर भी हम लोग डुप्लीकेट्स को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक हो गया, तो आप इसको ट्राई करें और अगर आप लोगों से हो जाता है तो कमेंट में ओके लिख दें, और अगर नहीं होता तो अपना बताएं कि क्या आपको मसला आ रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके इस मसले को सॉल्व करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।